अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, मेरी आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है मैटर के एंड एफए के, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अपना एडमिशन जोन से है वो करवाया है, फ्रेश एडमिशन भी और कंटिन्यू स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अपना एडमिशन करवाया है यूनिवर्सिटी से, लेकिन अभी तक उनको ये नहीं पता कि उनका एडमिशन कन्फर्म हुआ है या नहीं हुआ और उनकी बुक्स कि क्या सिचुएशन है। इसके बारे में आज के वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीटली गाइड किया जाएगा। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आपके तमाम जो उनसे खदशात हैं वो दूर हो जाएंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो बात करते हैं मैट्रिक और एफए के स्टूडेंट्स। मैट्रिक एंड एफए के स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन जनवरी और मार्च के दरमियान में भेजा था और कुछ स्टूडेंट्स का एडमिशन कन्फर्म हो गया है, कुछ का नहीं हुआ, और जिनका नहीं हुआ उनका क्या इशू है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंटिन्यू स्टूडेंट्स की, जिन्होंने अपना एडमिशन किया है तो वो अपना एडमिशन कैसे चेक करेंगे कि उनका एडमिशन हो गया या नहीं हुआ। उसके लिए सबसे पहले आपने अपना सीएमएस पोर्टल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मेलिंग बुक ट्रैकिंग ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने सर्च बार पर सर्च करेंगे तो आप लोगों की न्यू सेमेस्टर की जो बुक्स हैं वो शो हो जाएंगी। जैसे कि ये तो मेरा रिसेंटली लास्ट सेमेस्टर का है, रिसेंटली नहीं है, तो इसी तरह आपके पास मेन्यू शो हो जाएगा। तो एक के ऊपर जाकर आप लोग इजीली अपनी जौन सी हैं बुक्स उसकी डिटेल हासिल कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आपके सामने आपकी बुक के बारे में शो हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन जौन सा है वो कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ, और इसके अलावा ये भी पता चल जाएगा आपकी बुक्स अभी तक यूनी ने सेंड की हैं या नहीं की। अगर सेंड दी हैं तो वो आप लोगों के पास जल्द ही पहुंच जाएगी, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल इधर शो हो जाती है। इस तरह आप लोगों को कंटिन्यू स्टूडेंट जोन से हैं उनको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। और अब बात कर लेते हैं फ्रेश स्टूडेंट जोन से हैं, फ्रेश स्टूडेंट्स ने क्या करना है कि आप लोगों ने जहां से अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की थी वहां से जाके आप लोगों ने चेक करना है, क्योंकि सम टाइम ये भी होता है कि आपकी जोन से एप्लीकेशन आपने एडमिशन के लिए सबमिट करवाई होती है उसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लग जाता है, फॉर एग्जांपल किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से लग जाता है, या फिर आप लोगों ने अपने फॉर्म जोन से वो टेस्टेड नहीं किए होते। उस सूरत में ये होता है कि आप लोगों को अपना एतराज़ दूर करना होता है, देन ही आपका एडमिशन कन्फर्म होता है। और अदरवाइज ज़्यादा पर्सन स्टूडेंट जोन से हैं जिन्होंने फ्रेश एडमिशन किए हैं उनको मैसेज के थ्रू मैसेज मिल चुके होंगे, और जो स्टूडेंट्स को नहीं मिला वो अपनी एप्लीकेशन जहाँ से सबमिट करवाई है वहीं से आप लोग चेक करें। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बुक्स के हवाले से। फ्रेश और कंटिन्यू स्टूडेंट्स को 70% स्टूडेंट जो उनसे हैं उनको बुक्स जो उनसे हैं यूनि ने प्रोवाइड कर दी हुई हैं। और ये है कि अगर जिनको प्रोवाइड नहीं हुई उनके एतराज़ लगे हुए हैं वो जल्दी से अपना एतराज़ जो उनसे दूर कर दें। और ये है कि अगर आपको सॉफ्ट फॉर्म में बुक्स चाहिए तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पर आकर यहाँ पे बुक्स वाला ऑप्शन दिया गया है इसको ओपन, जैसे ही आप बुक्स वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे तो ऐसे सिलेक्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस भी क्लास की आप लोगों ने बुक्स सॉफ्ट फॉर्म में डाउनलोड करनी है यहाँ पर आप लोग तमाम कोर्सेज की बुक्स ईजीली जो सी हैं वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एंड पे सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिक, यहाँ पर ये हमने लिख दिया है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिक। यहाँ पर आप लोग अपनी बुक्स सॉफ्ट फॉर्म में इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा पर्सन स्टूडेंट्स की तमाम किस्म की प्रॉब्लम जो उनकी वो सॉल्व हो चुकी होगी, और जिनको कोई इशू है वो मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।